ये है एक नाले से निकलता हुआ रास्ता है, तो नीचे आगे जैसे मुराद पीछे की तरह पर आया जाए तो अगर जो तो वो बिल्कुल यहाँ चक्कर लगा सकते हैं, उनको किसी चीज़ का डर। अल्लाह वाली से जाते हुए और मेहमान से आते हुए राइट साइड पर देखेंगे वो ठंडे पानी से नहाने के लिए। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज रुख किया कुमारवाड़े का, काफ़ी दिनों बाद यहाँ आना हुआ तो सोचा कि आज आपको यहाँ से कुछ मनाज़र दिखाऊं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुमारवाड़े में, और न्यू कराची का कुमारवाड़ा है। और किस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं वो भी बताऊँगा। और यहाँ पर आपको कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब सस्ते जो यहाँ पर जाहिर सी बातें जब बनते हैं तो सस्ते तो मिल ही जाते हैं। और मेरे पीछे ना यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि गमले मौजूद हैं, और ये जो है ना सुराही नुमा जो होते हैं वाज़ वगैरह, इसको सुराही की जगह भी यूज़ कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि। और ये वाज़ वगैरह हैं इसमें गमले शमले डाल देते ना, और बहुत कुछ हो सकता है जाहिर सी बात है, और आप लोग बेहतर जानते होंगे जो देख रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है ये बन रहे हैं, इन्हें बनाया जा रहा है, ये भी फ़िलहाल कच्चे हैं और इन्हें भट्टी में भी पकाया जाता है। और यहाँ पर भाई जो हैं बैठे हुए बना रहे हैं। इसको बोला गया सर्च करके रहे। तो अब आगे चलते हैं और कुछ सफ़र करते हैं कुमारवाड़े का। वैसे तो यहाँ पर वीडियो बनाने से बहुत मना किया जाता है, कहते हैं कि वीडियो ना बनाइए, चूँकि यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे कि चिमनियाँ मौजूद हैं, और चिमनियों के साथ साथ जो यहाँ का गार्बेज है ना, जैसे कारपेट और चमड़े के मुख्तलिफ टुकड़े, तो वो भट्टी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और भट्टी कुछ इस तरह की है, और ये जो है भट्टी में इस्तेमाल होते हैं। और ये बनने के बाद ना इसे भट्टी में सेट किया जाता है ताकि ये पक जाए अच्छी तरीके से। तो अभी भट्टी को सेट किया जा रहा है, छोटा सा वहाँ से सुराख है और नीचे हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है, और भाई जो है इस वक्त भट्टी को ओके करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये माल लेके आते हैं अंदर और फिर भट्टी में सेट करते हैं ताकि इसे मजबूत हो जाए ना, पक जाता है ये माल। और यहाँ पर कुछ ब्लैक हो रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल ये ओके हो गए होंगे, ये जो काले हो रहे हैं ये बन गए हैं। यहीं से बाहर निकलेंगे हम बहुत एहतियात से, कि अगर कहीं टकरा गए तो कपड़े हो जाएंगे बिल्कुल काले काले। और आसपास की जो आबादी है उसने यहाँ पर बहुत कंप्लेन की है कि ये जो आप गार्बेज जलाते हैं और कारपेट के पीस और जो मुख्तलिफ अकसाम के जो पीस होते हैं चमड़े वगैरह के, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है फ़िज़ाई आलूगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल जाती है उसके बाद, क्योंकि आप यहाँ फ़िज़ा में देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जो है ना स्मोक उड़ रहा है। तो चलिए आगे सफ़र करते हैं और साथ साथ यहाँ से निकल जाएंगे सफ़र करते हुए। जो मनाजिर हैं यहाँ के, खैर देश का दिलकश तो हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मनाजिर, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, लेकिन साथ साथ ये आबादी के अंदर है तो कितना नुकसानदेह, इसका भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ से जब आप आएँ
तो मास्क वगैरह ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, पानी की बोतल, फेस मास्क और या जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो ज़रूर लेके आइएगा अपने साथ। तो इस वक्त ये जो है ये सड़क आ गई है, यहाँ की रोड आ गई है और अब यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों सफ़र का आगाज़ कर दिया है और इस वक्त मैं कुमारवाड़े में ही मौजूद हूँ। तो आपको जैसे कि ये सड़क दिखाई थी और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो गार्बेज है और उसको जलाया जाता है और जलाने के बाद जो सूरत हाल यहाँ पर पेश होती है, तो आप समझते ही होंगे कि 3-4 यहाँ पर एक साथ मुझे कैमरे में दिख रही हैं, कैमरे के अंदर जो दिख सकती हैं इस वक्त, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चिमनियाँ मौजूद हैं और फ़िलहाल ये बंद है और यहाँ की आबादी पर क्या इफ़ेक्ट करती होंगी और छोटे छोटे बच्चे जो होते होंगे उन पर क्या असरअंदाज करते होगा ये स्मोक। तो बस अब यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे और आगे के से मुराद पीछे की तरफ, यानी यहाँ से अब हम बैक लेने वाले हैं। देखिए सब चीज़ों के ऊपर जो है ना स्मोक जम गया है, धुआं बिल्कुल जम गया है और मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वैसे तो ये कुमारवाड़ा बहुत बड़ा है कि यहाँ का सबसे बड़ा कुमारवाड़ा यही है, मेहमान के साथ मुंसलिक हो जाता है ये। और यहाँ से जब आप निकलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। और वैसे सिक्योरिटी के हिसाब से तो ये इलाका ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आया जाए, तो अगर जो मेरे दोस्त हैं चपाटे टाइप के तो वो बिल्कुल यहाँ चक्कर लगा सकते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, बहादुरी तो मानो कूट कूट के भरी हो उनमें। तो अल्लाह का नाम लेकर आगे निकल सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये मुख्तलिफ इकसाम के जो कुत्ते मौजूद होते हैं ना, ये डॉग्स यहाँ पर काफ़ी सारे होते हैं और यहाँ पर बड़ी आबादी जो है मिक्स है, सिंधी भी हैं, सराई की भी हैं, अफगानी भी हैं, तो और कुछ कुछ जो मैं देख रहा हूँ वो बलूच भी हैं। और ये इतना बड़ा कुमारवाड़ा है, ये मिलता है जाकर सुरजानी टाउन से। हमने पहले भी यहाँ से कई बार वीडियो की है और जब भी यहाँ से गुज़र होता है, यहाँ से करीब से जब गुज़रते हैं तो कोशिश मेरी यही होती है कि आपको अपडेट करता चलूँ, बताता चलूँ, दिखाता चलूँ। और गमलों की दीवारें बना दी गई हैं, जाहिर सी बात है कारीगर हैं। और भैया यहाँ तो बहुत ज़्यादा पेचीदा रास्ते हैं, क्या ही बात है, नज़ारा बहुत अच्छा है लेकिन गर्मी का जो तनासुब है बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कभी धूप तो कभी छांव, लेकिन इसकी जो तपिश है ना वो इस वक्त कह रही है कि आप यहाँ रुके नहीं, घर जाइए और ठंडे पानी से नहाइए। तो बिल्कुल मैं बेताब हूँ ठंडे पानी से नहाने के लिए और साथ ही अब हमें ऐसी जगह से गुज़रना होगा जहाँ पर धुआं है और जाहिर सी बात है तो वो जिस्म में दाखिल भी होगा, किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते आप। ये कचरा देख रहे हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको एक 2-4 रुपये या 10-100 रुपये कम तो पड़ जाएगा, जितनी बल्क क्वांटिटी होती जाएगी और उसमें भी पैसे आपको कम तो पड़ जाएंगे, लेकिन
सिक्योरिटी के हिसाब से मैं समझता हूँ ये एरिया ठीक नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ वो आती हैं। तो साथ ही अब मैं आपको बताता चलूँ, रास्ता ये है, एक नाले से निकलता हुआ रास्ता है। ये नदी कहलाती है। और ये जो ऊपर से पुल गुजर रहा है ना, ये अल्लाह वाली से आ रहा है। अल्लाह वाली से जब आप मेमार की तरफ रोड इस्तेमाल करेंगे, पुल का इस्तेमाल करेंगे, तो नीचे ही आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे अल्लाह वाली से जाते हुए, और मेमार से आते हुए राइट साइड पे देखेंगे कुमार बड़ा यहाँ मौजूद है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ भराई हो रही है, जो खड्डे हैं उन्हें भरा जा रहा है। और यहाँ से चिंची रक्षाएँ जो जिन पर टंकी वंकी 11-11, 15-15, 2-2 हज़ार रुपये की ये जो टंकियाँ चल रही हैं इलाकों में, वो इधर से भरी जाती हैं दोस्तों। पुल के नीचे से हमें ऊपर की तरफ जोर लगाना होगा। रास्ता, ये पुल का रास्ता थोड़ा सा तवील है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। और ये अल्लाह वाली से मेमार की तरफ जाने वाला पुल था, और उसी पुल पर जब अब मैं मौजूद होऊंगा तो आपको अच्छे से डायरेक्शन बता दूंगा। ये जो हमारे इंटरनेशनल मुल्कों में और ये बाहर ममालिक में जो इन बर्तनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मिट्टी के बर्तन हो या गमले हो, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और एक अच्छी रकम में इन्हें ख़रीदा जाता है। इस वक्त हमारा सफ़र जो है अल्लाह वाली की तरफ हो चुका है, और मेरे पीछे बिल्कुल बैक साइड पे ना, बैक साइड पे वो है मेमार, और साथ में ही यहाँ पर मौजूद है मेटको कंपनी है चावलों की, और सून सन्नाटे में तो यहाँ लग रही हैं दिहाड़ियाँ। ये लीजिए, पैसे दे दीजिए और ले लीजिए, और देखिए किस तरह से गड्डी गिनी जा रही है, 10-10 की, 10 हो या 50, 50 हो या 100, वो सभी अच्छे होते हैं, बस एक ही नारा लगता है और दो। और अब हमारा रुख हो चुका है अल्लाह वाली की तरफ, और हम मेमार से आ चुके हैं, बल्कि कुमारवाड़े से। मेमार तुम्हारे बीच है, और यहाँ पर गत्ते की कुछ फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जो गत्ता ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आता है। अल्लाह वाली की तरफ जा रहे हैं। ये W11 वाली रोड है, W11 अपने स्टॉप से निकलकर इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करती है। काफ़ी ये ख़राब रोड हैं, काफ़ी ख़राब सड़कें हैं यहाँ की, और सिक्योरिटी के हिसाब से भी मैं समझता हूँ कि जब आप यहाँ से बाहर से आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कोई अंग्रेज़ हैं, और आपको सारी नज़रें ऐसे मशकूक स्टाइल से घूरेंगी, इतने मशकूक स्टाइल से देखेंगी कि आपको डर ही लगने लगेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। कुमारवाड़े से बाहर आ चुके हैं, और नज़दीक ही है अल्लाह वाली, और सामने है गणेश फातिमा। तो यहीं से चाहूँगा आपसे इजाज़त एक नई वीडियो के लिए।
एक नई जगह पे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।